आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे शायर की है कौस्तुभ बंसल जी ने। तो सबसे पहले बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उत्तराखंड के रहने वाले कौस्तुभ बंसल जी बताते हैं कि उस दिन मैं सही समय पर ही घर से निकल गया था स्टेशन के लिए। स्टेशन मेरे घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो मैं पैदल ही घर से आ रहा था। ट्रैक के रास्ते जब मैं घर से निकला तो वक्त हो रहा था यही कोई शाम के 6:30 बजे का, पर ट्रैक पर चलते चलते काफी अंधेरा हो गया था और ठंड भी काफी लगने लगी थी। ठंड और अंधेरे की वजह से मैं आराम आराम से चल रहा था। ट्रैक पर कोई भी चहल पहल नहीं थी सिवाय खामोशी के। हाँ, 1-2 कुत्ते जरूर भौंकते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें भौंकते देख मुझे डर था कि कहीं ये काट ना ले, पर मैं एकदम शांत आराम से चले जा रहा था कि तभी मुझे ट्रैक पर चलते हुए एक लड़की नजर आई, जिसे देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। उस लड़की को देखकर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगा ताकि मैं उसके साथ हो लूं। मैं उस लड़की के पास पहुंचा ही था कि उसे देखकर मैं दंग रह गया। दरअसल वो लड़की मेरी क्लासमेट थी। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे तुम यहाँ? उसने इतना बोला ही था कि मैं बोल पड़ा, तुम यहाँ इतनी रात गए, यहाँ पर कैसे? तो वो बोली, मैं स्टेशन जा रही हूँ, 9 बजे की ट्रेन है मेरी। इस पर मैंने कहा, अरे मेरी भी 9 बजे की ही ट्रेन है, वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? तो उसने बताया कि देहरादून। ये बात सुनते ही मैंने कहा, ये लो मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, चलो सफर अच्छे से कट जाएगा। तभी हम बातें करते हुए कब स्टेशन पहुँच गए पता ही नहीं चला, और फिर कुछ देर बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम ट्रेन में चढ़ गए। अब कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन भी खुल गई और हमारा सफर अब शुरू हुआ। हम रास्ते भर ट्रेन में बातें ही करते रहे और सफर कब कट गया मुझे पता ही नहीं चला। जब ट्रेन देहरादून पहुंची तो वो लड़की और मैं ट्रेन से नीचे उतरे और हम दोनों ने अपना अपना रास्ता नाप लिया। फिर रास्ते में मुझे एक बात याद आई, जिसे याद करके मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने लगा। दरअसल वो लड़की 1 साल पहले ही मेरी क्लास में फांसी लगाकर मर गई थी, पर वो मुझे क्यों दिखी ये बात मुझे समझ नहीं आई, और उस दिन के बाद मुझे वो कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।